आपने शुभ चौगड़िये में अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। विद्याधर नगर की दो प्रमुख मुद्दे बताएं जिनको लेकर आप मैदान में। यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज की भी आवश्यकता है, सैटेलाइट हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है। यहाँ पर जगह जगह पे पानी भरता है, उसका भी कैसे हम लोग उसका सोल्यूशन निकाले वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ट्रैफिक जैम्स जगह जगह पे होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। बहुत सारी रोडें हैं जिनको रिपेयर करना है, ये सभी इश्यूज हैं। कहीं कहीं अंडरपास पास की भी आवश्यकता है क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है। अलग अलग झोटवाड़ा की अलग समस्या है, विद्याधर नगर साइड की अलग है, मुल्लीपुरा की अलग है, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। कुछ क्षेत्र यहाँ पर रूरल भी लगता है जो नया जुड़ा है, उसमें अलग समस्या है, वहाँ डेवलपमेंट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे लिए तो सभी कुछ प्रायोरिटी रहेगा, प्राथमिकता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा, उस पर भी पूरी तरह से मेरा फोकस रहेगा। आप जयपुर की बेटी हैं, इस नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जयपुर की बेटी हूँ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जयपुर से अवसर दिया है, प्रत्याशी बनाया है विद्याधर नगर से। तो जयपुर की जनता से कहूँगी कि मैं आप ही की बहन और बेटी हूँ, तो मेरे पे आशीर्वाद रखिए और मुझे अपना समर्थन दें। ये बीजेपी की सेफ सीट है और कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्या कारण? देखिए, बीजेपी के लिए 200 की 200 सीटें सेफ हैं, और जो कांग्रेस की बात आप कह रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा उनके मन में क्या चल रहा है। शायद वो डर गए हैं। जो भी है, देखिए वो उनकी प्रॉब्लम है, हम लोग हमारे काम पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग कोई ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं है, हम पूरी लड़ाई कर रहे हैं और हम पूरी तरह से हम लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं। हमारे बूथ कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक सब काम पे लगे हुए हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी वोटिंग का प्रतिशत अच्छा हो, बढ़े और अच्छी ऐतिहासिक जीत। मोदी जी की 4 रैलियां प्रस्तावित है जयपुर में, क्या आपके क्षेत्र में भी निकलेंगी? अब ये तो संगठन डिसाइड करेगा कि रैलीज कहाँ कहाँ होंगी, ये आगे आपको सूचना मिलेगी। दिया कुमारी, मैं साफ तौर पर कहा है कि मैं जयपुर की बेटी हूँ और जयपुर की माओं का बहनों का मुझे समर्थन चाहिए। मैं जयपुर की बेटी हूँ, मुझे यहाँ से उतार कर जयपुर को सुंदर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया गया है, और अगर मैं आती हूँ तो विद्याधर नगर क्षेत्र में वो नवीन काम कराऊंगी जिनकी दरकार है। कच्ची बस्तियों को बेहतर सुविधाएं देने का काम करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर। हर खबर सबसे पहले पहुँचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।